हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा वर्मा किचन में आपका स्वागत है। अमरूद बहुत ही फायदेमंद फल है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है और ये स्किन और पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वैसे तो हमें रोज एक अमरूद खाना चाहिए, पर आज हम आपको इसकी सब्जी बनाना बताएंगे। इसके लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी, 250 ग्राम अमरूद जो मैंने धुल के रखे हैं, और चॉप किया हुआ हरा धनिया, ऑयल, दही, एक छोटा टमाटर, हाफ स्पून हल्दी, हाफ स्पून धनिया और हाफ स्पून लाल मिर्च, नमक टेस्ट के अनुसार, और हमको 1/4 स्पून चाहिए कलौंजी, जिसे मंगरेल भी कहते हैं, और 1.5 स्पून हमको चीनी चाहिए, हाफ स्पून सौंफ चाहिए, हाफ स्पून गरम मसाला, हाफ स्पून जीरा, 1/4 स्पून हींग और एक चॉप्ड हरी मिर्च। अब सबसे पहले इन अमरूदों को हम काट लेंगे। इसके लिए हमने इनको ऐसे निकाल लेना है, ये देखिए, इसको निकाल देना है। और इस अमरूद को इसके हमें ऐसे पीसेस करने हैं। इसके लिए हमने पके अमरूद लिए हैं, अब इनको हम ऐसे काट लेंगे। ये हमने काट लिए हैं, अब इनके हम ये बीजों को ऐसे करके निकाल देंगे। देखिए, ऐसे सारे बीजों को निकाल देंगे। अगर थोड़े बीज रह भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है। देखिए, इस तरह से बीज को निकाल देंगे और इसके हम ऐसे टुकड़े कर लेंगे। इसी तरीके से सबके हम बीज निकाल के और उनके टुकड़े कर लेंगे। ये सारे अमरूद इस तरह से काट लिए हैं। अब एक हम भगोना लेंगे, उसको गरम करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, हमने 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गरम हो गया है, अब फ्लेम को हम सिम कर देंगे। इसमें हम जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, सौंफ डालेंगे और अदरक और मिर्ची डालेंगे। साथ ही हम कलौंजी डालेंगे। इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर को हम भूनेंगे। इसमें हम हल्दी डालेंगे, ज्यादा टमाटर भूनने की जरूरत नहीं है। धनिया डालेंगे, मिर्च डालेंगे। अब इन सब मसालों को डालकर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून रहा है। अभी हमारे मसाले भून रहे हैं, इनको अच्छे से हम भून लेंगे। देखिए, हमारे मसाले भून गए हैं। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे और दही डालने के बाद हम मसालों को अच्छे से भूनते रहेंगे, इसको लगातार चलाएंगे।
इसको अच्छे से लगातार भूनते रहेंगे जब तक ये मसाले तेल से तेल को नहीं छोड़ते, तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। और इसको लगातार चला के हम इसे भूनेंगे। देखिए ये तेल हमारा मसाले से अलग हो रहा है, हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें हम अमरूद ऐड करेंगे। इसको हम भून लेंगे। साथ ही इसमें हम ये गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से इसमें मिल गया है। देखिए सब्जी का कलर कितना खूबसूरत है। अब इसको हम इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, हम ज्यादा गीला नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम 2 मिनट पकाएंगे और फिर हम चेक कर लेंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी सब्जी चेक करेंगे। इसको देखिए, इसको हम ऐसे चेक करेंगे और देखिए ये पक गई है। अब इसमें हम ये चीनी डाल देंगे और इसको चीनी गलने तक पकाएंगे। साथ में हम थोड़ी हरी धनिया भी डाल देंगे। इसको मिला देंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। ये अमरूद की सब्जी तैयार है। इसको हम हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे कोई भी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।